एक साथ हैप्पी लोहड़ी तो बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनी व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूं मैं किचन से, लेकिन बातें शुरू करें उससे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। आज वर्क फ्रॉम होम है और शाम को लोहड़ी का बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होने वाला है। सोसाइटी भी करेगी, हम भी करेंगे, तो व्लॉग में एंड तक बने रहना और हमारा लोहड़ी का पूरा सेलिब्रेशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आज है वर्क फ्रॉम होम, मैं हूँ किचन में और 9 बज रहे हैं। 9:30 बजे से अपनी ऑफिस शुरू हो उससे पहले चाय बनाते हैं, खुद भी पीते हैं, पापा को भी पिलाते हैं और फिर उसके बाद काम पर लग जाते हैं। तो चलिए, लेकिन चाय का बर्तन है गंदा और इतनी ठंड में मुझे चाय का बर्तन धोना पड़ेगा। Later that same evening. तो फ्रेंड्स, ऑफिस पूरा हो गया और अब बस लोहड़ी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ये देखिए 7:45 बज चुके हैं और 7:30 बजे से लोहड़ी सेलिब्रेशन शुरू होता है। उससे पहले पापा ने चाय मांगी है, तो चाय तो बना ही रहा हूँ, चाय चढ़ा दी है मैंने, लेकिन उसके साथ हम लोगों में क्या लोहड़ी सेलिब्रेशन में पूड़ी और पकोड़े बनते हैं। पूड़ी होती है वो खोए वाली मीठी पूड़ी, अब वो तो बना नहीं सकता मैं, तो पकोड़ों का मेरे पास जुगाड़ है। मेरे पास फ्रोजन स्नैक्स पड़े हुए हैं, तो वो भी पकोड़े ही होते हैं, आलू के ही होते हैं, तो उनको तल देता हूँ, मैं भी खाता हूँ केचप के साथ, पापा को भी खिलाता हूँ चाय के साथ, मजा आ जाएगा और हमारी लोहड़ी की जो रीत है पकोड़े बनाने की वो भी पूरी हो जाएगी। देखें क्या क्या पकोड़े हैं। अरे फ्रेंच फ्राइज है और ये तो बेसन है और ये है अल्फाबेट्स। नायशा के लिए साक्षी ने मंगाए होंगे ये अल्फाबेट्स, तो इसको बनाते हैं। पापा ये खाओगे? ये आलू की टिक्कियां समझ लो, लेकिन इसमें ABCD वाली है, खाओगे? खाएंगे दो चार केचप के साथ। ठीक है, मैं तल देता हूँ। ये रहे हमारे फ्रोजन पकोड़े, फ्रोजन अल्फाबेट्स, और तेल भी गर्म हो रहा है और इधर चाय भी आराम से पक रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्लेट बिल्कुल सज गई है, केचप, खजूर की चटनी, पकोड़े और चाय के कप, केतली। अब चलते हैं, पापा के लिए ले जाते हैं। फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं नीचे लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। मैं तो सोच रहा था कि मुझे शाम को फ्री होकर के फुल्ले, रबड़ी और मूंगफली लेने जाना होगा, लेकिन फिर पापा ने बताया कि पापा ने सब काउंट्री किया है, सब लोगों ने, और सब कुछ अरेंजमेंट ये लोग ही करने वाले हैं, हमें साथ में कुछ भी नहीं लेके आना। कह रहे थे 50 किलो लकड़ी का और कई किलो स्नैक्स और रेवड़ी के प्रसाद, मूंगफली के प्रसाद का इंतजाम किया है अंकल जी लोग। प्रसाद का अंकल जी लोग प्रसाद के पैकेट्स बना रहे हैं अभी से, और अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, मुश्किल से 15-16 लोग हैं अभी, लेकिन कह रहे हैं कि काफ़ी सारे परिवार अभी आना बाकी हैं। 2-4 बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, यही शायद जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो लोहड़ी मना रहे हैं उन्हीं के पोता पोती वगैरह होंगे। अपने पापा जी पता नहीं कहाँ रह गए, तो तब तक जब तक पापा नहीं आया तब तक यही बैठ जाते हैं और ताप लेते हैं और व्लॉग बनाते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और मैं माइक लाना भूल गया, तो बैकग्राउंड नॉइस आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा, बट अगर ख़राब लग रहा है सुनने में तो एक्सट्रीमली सॉरी। अब ऊपर जाऊंगा तो जब तक वापस आऊंगा लोहड़ी सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका होगा, तो कोई नहीं, अब बिना माइक के ही काम चलाइए आप लोग। पापा भी आ गए, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जाइए, मिलिए सबसे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, कि कोई भी आदमी अरदास मांगो और आगे अगली लोहड़ी पे मैं ये करूंगा अवश्य पूरी होगी।
आपकी भी वीडियो बना दी मैं। देखो तो अंकल जी की फरमाइश है कि सभी सीनियर सिटीजन की मैं फोटो और वीडियो ले लूं। जी भाई साहब भी मेरे साथ नहीं आई। अच्छा अच्छा ठीक। ये सभी अंकल जी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, फोटो भी लूंगा। फोटो बनानी है कि वीडियो भी बनानी है? जो मर्जी बना दो। ठीक है मैंने फोटो वीडियो दोनों बना दिए अंकल जी। सीनियर सिटीजन लेडीज की वीडियो बनाने की फरमाइश है। एक साथ हैप्पी लोहड़ी तो बोल दीजिए। आपके हाथ में ये वही लोहड़ी है। दिखा दिखा के बोलना मुझे। बहुत अच्छा लगा अंकल जी, बहुत अच्छा। नूरानी आई होती तो हमें और अच्छा लगता। बिल्कुल मैं बोल दूंगा। तो फ्रेंड्स लोहड़ी सेलिब्रेशन पूरा हो गया, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। मेजॉरिटी तो 90% लोग तो सारे सीनियर सिटीज़न थे, कुछ ही थे बच्चे जो अपने दादा दादी या मम्मी पापा के साथ आए थे। मेरे एज के भी एक ही दो लोग थे, लेकिन फिर भी मज़ा आया। जाते जाते उन लोगों को पता चल गया कि मेरा चैनल है, तो वो लोग बोलने लगे हमारा भी वीडियो बनाओ, हमारा भी वीडियो बनाओ। तो लेडीज़ का अलग वीडियो बनाया, अंकल जी लोग का अलग वीडियो बनाया। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और खाना बनाते हैं। पेप्सी ने मुझे अभी स्वेटर पहनते हुए देखा तो इसको लगा कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, आपके लिए भी, पापा के लिए भी, मेरे लिए भी। आओ फ्रेंड्स, पापा की थाली तो लग गई, अंडा करी और रोटी। अब पेप्सी को भी अंडे की खुशबू आ गई है, इसलिए बार बार पूछ हिलाए पड़ी है। फ्रेंड्स बज गए रात के 11 और अब मैं आया हूँ किचन को थोड़ा समेटने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ है अभी जो अगर फ्रिज में नहीं रखा गया तो ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले तो ये दूध का जग, ये गुलाब जामुन काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ पड़े हुए हैं, और अगर ये ऐसे ही रखे रहे ना तो ख़राब हो जाएंगे। इसका ढक्कन एक्चुअली कामवाली ने गलती से फेंक दिया था, तो ये ढके रहे हैं, इसलिए साक्षी ने मैडम ने ये जुगाड़ निकाला। और वाह, पापा और मेरी किस्मत के सिर्फ 2 पीस पड़े हुए हैं और ठंडे तो नहीं खाएंगे। गुलाब जामुन तो गर्मा गर्म ही पसंद आते हैं, तो इसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो मुझे भी मीठा मना है और पापा को भी डायबिटीज़ है, लेकिन त्यौहार के दिन तो चलता है। वाह बढ़िया गर्म हो गया है। फ्रेंड्स पापा को तो दे दिया, लेकिन अब मैं अपने पीस को बड़े आराम आराम से बहुत धीरे धीरे खाऊंगा, पूरा स्वाद ले लेके, क्योंकि कल आ जाएंगी साक्षी मैम वापस और फिर मुझे ये सब बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स रात के 12 बजने वाले हैं, लोहड़ी का त्यौहार पूरा हो गया। आई होप आपको आज का लोहड़ी त्यौहार का व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। आप सभी को एक बार फिर लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति आने वाली है, उसकी भी एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना। मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।